अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पैटीज़, या इसको आप मायोनीज़ बन भी कह सकते हैं। बहुत ही आसान और बच्चों की मनपसंद रेसिपी है। आप इजीली घर में बना सकते हैं या टी टाइम के लिए भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। चिकन पैटीज़ बनाने के लिए हमें जो चीज़ें ज़रूरत है उनमें हमने मैदा लिया 2 कप, खमीर 1 चम्मच, चीनी 1 चम्मच और नमक हसबे सायका, और साथ हमने पानी लिया है नीम गरम इसकी डो बनाने के लिए। तो सबसे पहले अब हम इसमें 1 चम्मच खमीर ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि हमारी डो थोड़ी नरम हो जाएगी। साथ ही इसमें अब हम चीनी भी ऐड कर लेंगे 1 चम्मच, और थोड़ी मीठी करने के लिए। और साथ इसमें अब हम नमक भी ऐड कर लेंगे 1 चम्मच, और पानी जो हमने लिया था नीम गर्म पानी, इससे हम इसकी अब हम डो तैयार कर लेंगे अच्छी सी। इस बात का हमने ख्याल रखना है कि डो हमारी बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो और बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो, बहुत नॉर्मल सी डो बनाएंगे। वो हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको प्लास्टिक शीट से कवर करके 30 मिनट के लिए किसी गर्म जगह पर राइज होने के लिए रख देंगे। डो हमारी राइज हो चुकी है। अब हम इस डो को 4-5 बराबर हिस्सों में काट कर पेड़े बना लेंगे। पेड़े हमारे तमाम रेडी हो चुके हैं। अब हमने 2 तो जो अंडे की जदियाँ ली थी वो सब पेड़ों के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे। फिर ऊपर की तरफ लगाएंगे, ऊपर की तरफ और इस तरफ लगा देंगे। अंडा हमने तमाम पेड़ों पर अच्छी तरह से लगा दिया है। अब हम इन सब पेड़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े तेल भी स्प्रिंकल कर देंगे। अच्छी सी शेप आ जाएगी इनका, अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इनसे। थोड़ा थोड़ा सब पेड़ों के ऊपर लगा देंगे। तमाम स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 20 मिनट के लिए दोबारा से इन पेड़ों को राइज होने के लिए रख देंगे। मिक्सर के लिए हम 1/2 kg चिकन लेंगे बॉयल की हुई, और काली मिर्च लेंगे 1 खाने का चम्मच, नमक लेंगे 1/2 खाने का चम्मच या आस पास ज़रूरत, और मायोनीज लेंगे 1 कप। चिकन बॉयल करके हमने इसके रेशे बना लिए हैं। अब हम इसमें मायोनीज ऐड कर लेंगे अपनी, सही तरह सारी मायोनीज इसमें ऐड कर लेंगे। साथ ही इसमें 1/2 चम्मच नमक भी ऐड कर लेंगे, और ये काली मिर्च हमने जो पीस के रखे थे 1 चम्मच वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इस मिक्सचर को अच्छी तरह से ला लेंगे। बस इसमें और कोई चीज़ें नहीं ऐड करनी है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। हमने जो अंडा और तिल लगा कर रखे था पेड़ों के ऊपर, अब वो दोबारा से राइज हो चुके हैं। अब हम इसको पतीले में भी बना सकते हैं और ओवन में भी बना सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है। 10 मिनट के लिए उसमें पकाएंगे। फिर जब पेड़ ठंडे हो जाएंगे तो उनको म्यान से 2 हिस्सों में काट लेंगे। फिर मसाला जो हमने मिक्सर उसका तैयार किया है वो उसमें लगा, हमने जो बनने के लिए रखे थे वो अब रेडी हो चुके हैं। अब हमने जो इसका मिक्सर बनाया था वो इनके ऊपर लगा देंगे अच्छी तरह से, सब बंस के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। इसी तरह ही बस, ये क्विक सी रेसिपी है, ये जल्दी से बन जाती है। मिक्सर हमने तमाम पैटीज़ में अच्छी तरह से लगा लिया है। अब हम इनके ऊपर इनका दूसरा पीस रखेंगे, और पैटीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं। आप ये पैटीज़ बनाकर ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक ज़रूर दें, और मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बहुत शुक्रिया।